राजस्थान के तिजारा से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की चर्चाओं के बीच एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। बाबा बालकनाथ ने अपने इस पोस्ट में लिखा है, पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बता दें कि बाबा बालकनाथ 2019 में बीजेपी के टिकट पर अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। पार्टी ने उन्हें इस बार जिले की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को हराकर विधायकी का चुनाव भी जीत लिया। इसके बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन घटनाक्रमों के बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही थी। कल तक उन्हें मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदारों में माना जा रहा था, लेकिन आज उनके इस ट्वीट से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है। बालकनाथ के अलावा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में जिन नामों की सर्वाधिक चर्चा है उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी शामिल हैं। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ भी उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिसके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान प्रमुख हैं। बाबा बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने एक समारोह में बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। उनके समर्थक उन्हें राजस्थान का योगी कहकर संबोधित करते हैं। वहीं बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। उनका जन्म बहरोड़ तहसील के कोहराना गांव में एक यदुवंशी परिवार में हुआ था। बालकनाथ योगी की जड़ें अलवर में गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने 6.5 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया और अपना घर छोड़कर आश्रम चले गए। महंत बालकनाथ योगी की राजनीति पारी को उनके गुरु महंत चांदनाथ, जो अलवर से पूर्व सांसद थे, उन्होंने आकार दिया। उनकी छवि राजस्थान के एक फायर ब्रांड नेता की है, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। वह चुनाव के लिए नामांकन और कई जगहों पर प्रचार करने बुलडोजर से भी गए हैं। बालकनाथ ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। ऐसे में मुझे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुभव प्राप्त करना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के रेस में बालकनाथ की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब समाप्त होती हैं। अब बचे हुए उम्मीदवारों में से आलाकमान किसे मुख्यमंत्री चुनता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।